हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नया वीडियो लेके गाइस, आज मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस में। और जैसे मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे थे, मतलब बहुत ही सारे आ रहे थे। और अभी तो मैंने पूरे देखे भी नहीं होंगे, क्या पता कोई साइड वाइड में भी आ रहा हो। तो इसका मतलब 5-6 स्क्वाड्स तो कम से कम मान के चलो तुम यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को स्कारल मिल जाते, और भाई सामने एक बंदा दिखता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ। फिर एक और बंदा दिखता है, उसको भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, काफ़ी दूर था बंदा। और फिर एक फुटस्टेप्स आए मेरे को नीचे से, तो यहाँ पे इस वाले बंदे को नोक करता हूँ। बेचारा अपनी जान बचा रहा था यहाँ पे। चाहे जो बीच वाली बिल्डिंग में बंदे हैं वो इसके नहीं है, क्योंकि अगर इसके बंदे होते तो मजे में वहाँ पे लूट रहा होता, यहाँ पे छुपा नहीं होता। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं इस वाली बिल्डिंग में, तो भाई पकड़ते हैं। जो कि यहाँ पे लूट रहा था भाई मजे में, मतलब भाई एक एक चीज चुकी जा रही थी यहाँ पे, कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन पीछे से खत्म कर देते हैं इसे भी। अब यार तीसरी वाली बिल्डिंग में से बहुत ही खतरनाक वाली फायरिंग आ रही थी, तो मैं घुस जाता हूँ सीधा एक नेड फेंक के। नेड में इसलिए फेंकता हूँ कि क्या पता यार, मतलब इधर उधर कोई बैठा हो तो भाई फट जाए। लेकिन शायद इस कमरे में कोई भी नहीं है भाई, साइड वाले में। ये बंदा भाई छुपने की नाकाम कोशिश करता है गेट के पीछे, लेकिन मैं गेट ही तोड़ देता हूँ। और फिर ये इधर की तरफ से भाग के आता है, लेकिन मैं इसे पहले डैमेज दे चुका था, तो काफी जिपड़ते हैं मेरे को। इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। और भाई सामने से फायरिंग की साउंड आ रही इसी बिल्डिंग में से, इसका मतलब और भी बंदे, जो कि मेरे को एक दिख भी चुका है। तो यहाँ पे मैं डीप चुरा लेता हूँ उस बंदे से, और भाई अब रिलोड करके निपटाते हैं इस बंदे को। यहाँ पे इस वाले बंदे को मैंने डीपी से पहले डैमेज दे दिया था, तो काफी इजी पड़ती है मतलब मेरे को इस कारल से निपटाते इस वाले बंदे को। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा लूटते हैं, और भाई सामने एक और बंदा दिखता है मेरे को, और इस वाले बंदे को भी निपटाते हैं यहाँ पे। अब गाइस लूटते हैं दबा के। अब यहाँ पे गाइस सामने से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैं हल्की से प्री फायर देता हूँ, लेकिन बंदा आता ही नहीं, मतलब वहीं का वहीं रुक जाता है पीछे की तरफ ही। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता था कि बंदा क्या कर सकता है, तो मैं भी वही चीज करता हूँ, एक नेड फेंकता हूँ। बंदा भी फेंकता है, और भाई थोड़ा सा मैंने डैमेज दिया, और भाई बचा कुचा काम मेरा नेड कर देता है यहाँ पे। मतलब नेड शायद टकरा वकरा के कहीं मतलब नीचे वीचे आ गया था, तो काफ़ी इजी पड़ती है यहाँ पे, ख़त्म कर देते हैं। ये वाला बंदा भाई गलत ही कैंप मारा था यहाँ पे, और शायद इसने किसी को निपटाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि भाई इधर से फायरिंग की साउंड आ रही थी। अब इस वाले बंदे को मैं निपटाता हूँ, लेकिन भाई ये डायरेक्ट फिनिश नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा देख रहा था इसके बंदों के लिए। और वहाँ पे मेरे को कोई मिलता नहीं, तो मैं जाने लगता हूँ इधर की तरफ, और एक बंदा दिखता है मेरे को सामने भागता हुआ। और जैसे ही मैं इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ ना भाई, मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि दो में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं इन वाले बंदों को निपटाता हूँ जल्दी से, लेकिन भाई एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं साइड में से, और अब वो एक के फिर से दो में बदल चुके हैं। गलत ही एंगल लेके बैठे थे, अच्छा हुआ मैं जल्दी से मतलब मार के गोली पीछे आ गया, नहीं तो गंदा स्कैम होता। अब यहाँ पे गाइस मुझे लगा बंदे रश मारेंगे मेरे ऊपर, तो मैं नेड फेंकना चाह रहा था, लेकिन भाई कोई फुटस्टेप्स नहीं आते, तो मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ मजे में। और थोड़ी देर में यहीं पर रुकता हूँ, और फिर बंदों के फुटस्टेप्स आते हैं, तो मैं निपटाते हैं। अब यहाँ पे ये वाले बंदे रश मारते हैं, लेकिन भाई इनको मेरी लोकेशन नहीं पता थी, और मेरे को हल्का सा फायदा होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे गाइस खत्म कर देते हैं इस वाली स्क्वाड को भी। अब गाइस मिलिट्री बेस अपना क्लियर हो चुका है, तो भाई निकलते हैं इधर से। तो यहाँ से गाइस मैं जा ही रहा था, मेरा प्लान था कि भाई पोचिंग की चलेंगे ब्रिज क्रॉस करके, लेकिन भाई एक और बग्घी की साउंड आते हैं मेरे को। यहाँ पे गाइस ये वाला बंदा फायरिंग करता है, लेकिन भाई जंप एंड शूट हमेशा जिंदा बात, इस बंदे को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं और भाई निकलते हैं फिर। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस इस ऐप या वेबसाइट का नाम है 1xBet। यहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और ई स्पोर्ट्स में भी बैट करके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे गाइस आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर आपको इन चीजों का शौक है तो 1xBet को ट्राई करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे भी यूज कर लेना। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी।
अब यहाँ पे गाइस मैं पोचिंग की मारता हूँ बंदों की तलाश में, लेकिन भाई किसी के फुटस्टेप्स नहीं आते मेरे को यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि भाई निकलते इधर से, लेकिन भाई एक गाड़ी दिखती है और भाई यूजी की साउंड आती है, किसी ने बोर्ड स्कैम करा है। अब यहाँ पे गाइस मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे काफी सारे बंदों के, मतलब काफी सारे बंदों के, यहाँ पे फुल स्क्वाड है शायद से और भाई रश मारने वाली मेरे ऊपर, तो मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ, ये बेस्ट एंगल है इस वाले घर में अगर कोई सीढ़ी से आ रहा हो। यहाँ पे इस बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, तो ये तो आने नहीं वाला थोड़ी देर तक, मतलब हीलिंग वगैरह करेगा, लेकिन इसके बंदे हैं भाई बहुत सारे और नेड मोली ना फेंक दे, ये भी मेरे को डरता थोड़ा सा। एक बंदा था भाई पीछे से, ये बंदा यहाँ पे चालाक बन रहा था कि भाई ये वहां पे फंस रहा होगा, मैं पीछे से आके निपटा दूंगा, लेकिन इसकी चाल हम समझ चुके थे यहाँ पे। और ये वाला बंदा तो यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो चुका था, इसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था भाई लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं सामने जाऊं पीछे जाऊं, मतलब क्या करूं मैं, और इतने में तो भाई खत्म कर देते हैं यहाँ पे। तो यार इन वाले बंदों को निपटा के मैं सोचता हूँ कि भाई निकलते हैं इधर से, लेकिन मेरी गाड़ी में तेल हल्का सा कम था, तो मेरे को एक सामने गाड़ी दिखी थी पहले, मैं सोचता हूँ कि भाई इस वाली गाड़ी को उठा के निकल लेंगे, लेकिन यहाँ पे पीछे से फिर से कोई बोर्ड स्कैम करता है, वो भी M762 से, तो मैंने सोचा कि भाई गाड़ी वाड़ी बाद में बदलेंगे, मतलब क्या पता वो फोड़ दिया गाड़ी नई वाली। तो यहाँ पे मैं रश मारने लगता हूँ बंदे के ऊपर, लेकिन भाई बंदा तो गलत ही मतलब पोजीशन चेंज कर रहा था यहाँ पे, और पीछे भी कोई बंदा है, अब पता नहीं इसकी स्क्वाड का ही बंदा है या फिर कोई और ही है। तो यहाँ पे कहीं सबसे पहले मैं एक अच्छे से कवर में आता हूँ, यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई वो कितने स्क्वाड हैं या फिर कितने बंदे हैं और कहाँ कहाँ पे हैं भाई, मतलब पूरे स्प्रेड होकर रखे थे, तो अगर बिना हीलिंग के जाऊँगा ना और सीधा घुसूंगा तो भाई निपटा देंगे वो मेरे को। ये वाले बंदे तो भाई गलत ही फंसते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही गंदा स्कैम हुआ भाई इनके साथ। अब यहाँ पे पहले वाला बंदा उस वाले बंदे पे फायरिंग कर रहा था और उस चक्कर में मेरे को एंगल मिल जाता है, इसको निपटा देता हूँ, और दूसरा वाला बंदा उस वाले बंदे पे शायद फ्लैंक मारा था और उसे भी निपटा देते हैं हम। अब यहाँ पे कैसे मैं लूट वूट करके निकलने के सोचता हूँ, लेकिन भाई पीछे से कोई डीपी चिपका देता है थोड़ी सी, तो बस देखो कैसे निपटाएंगे। यहाँ पे मेरे को पता था कि अगर मैं 0.5 सेकंड से ज्यादा झांका ना डीपी के सामने फिर नहीं बचना मैं भाई, क्योंकि पैदाइश डीसिंक होती है भाई डीपी की गोलियों में। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डैमेज मैंने दे दिया था उस वाले बंदे को, अब गाइस थोड़ा सा एंगल बदल के मैं देख रहा था, यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, और गाइस मेरा प्लान था कि भाई सीधा जाके गाड़ी ठोक देता हूँ, क्योंकि भाई पता नहीं अब मौका मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे गाइस मैं फुल रिस्क लेता हूँ कि जो होगा भैया देखे जाएगी, तीन बंदे हुए तीनों चलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो ही बंदे थे, अच्छा तीसरा नहीं था, क्योंकि अगर तीसरा कहीं पे सांप वाप बना होता ना पता नहीं भाई क्या ही होता फिर। तो अब यहाँ से गाइस मैं निकलने की सोचता हूँ, लेकिन भाई मेरी गाड़ी में तेल काफी कम था, मेरे को एक गैस कैन चमकता है, तो मैं सोचता हूँ गैराज के अंदर गैस कैन भर के निकलेंगे, लेकिन भाई पीछे से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को और दीवार में गलत ही फंसा मैं, मतलब यहाँ पे मेरा प्लान था कि भाई पीछे आके स्मोक फेंक के मतलब गाड़ी निकालता हूँ भाई फटाफट, लेकिन यार बंदा देख लेता है मेरे को उससे पहले। और अब गाइस मेरे को दो बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं कम से कम, तो यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ कि फ्लैंक मार दूं बंदों पे, क्योंकि भाई गाड़ी मेरी फंस चुकी है और गाइस मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो भाई बंदे कवर में है निपटा देंगे। यहाँ से गाइस मैं सोचता हूँ कि फ्लैंक मार दूं इधर की साइड से, लेकिन एक बंदे के मेरे को इस वाले घर से फुटस्टेप्स आते हैं, तो भाई सबसे पहले इसको देखते हैं। भैया जी तो नेड़ फेंक रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बंदे ने जब भी नेड़ खींचा था तो मेरे पास 5-6 सेकंड थी अगर नेड़ अंदर बिगड़ जाता, और जब यार कोई नेड़ फेंकता है ना तो गन निकालने में फिर एम एडजस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है, मतलब 1-1.5 सेकंड तो लगती है और इतनी काफी होती है तुम्हारे लिए, तो मैं निपटाता हूँ उस वाले बंदे को जल्दी से। अगर वो बंदा नेड़ का पिन नहीं खींचता ना तो यार मेरे को मोली वोली फेंकनी पड़ती उस बंदे पे, क्योंकि अगर वो बंदा कैंप मारता तो भाई ऐसे मैं सामने से नहीं जाता, मेरे को मोली वोली फेंकनी पड़ती।
अब यहाँ से अगर मैं निकलने लगता हूँ, मुझे लगा भाई अपनी गाड़ी तो कहीं मतलब छोड़ो गाड़ी को, अपना पैदल ही भगते हैं ये जोन में। लेकिन मेरे को पीछे फायरिंग की साउंड आते चर्च के पास। यहाँ पे इस वाले बंदे को गाइस मैं काफी अच्छा डैमेज देता हूँ, मतलब एक गोली और चिपक जाती ना तो शायद ये वाला बंदा मर सकता था। यहाँ पे गाइस मेरे को ये तो पता चल गया इस चक्कर में कि भाई ये बंदा कम से कम मेरी गाड़ी के आसपास तो नहीं है, तो सबसे पहले भाई अपनी गाड़ी उठाते हैं और भाई निकलते हैं, क्योंकि अगर लास्ट जोन में गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, फिर नागिनों के पास मतलब एडवांटेज हो जाता है ज्यादा, क्योंकि गाड़ी में बैठ के यार तुम बंदों को देख सकते हो इजीली, थोड़ा हाई ग्राउंड पर होते हो तुम मतलब उनके मुकाबले नागिनों के, और अगर तुम गाड़ी में नहीं हो ना फिर तो भाई तुम्हें दिखने के भी नहीं नागिने। अब जिस तरह से बंदा भाग रहा था मेरे को ये लगा बंदा इधर की तरफ ही आएगा, क्योंकि भाई इधर की तरफ थोड़ी सी जोन थी, और मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला बंदा प्रोनिन शूट करता है लेकिन इसको खत्म कर देते हैं, और इस बंदे ने किसी पे फायरिंग करी थी, पता नहीं मेरे पे करी थी या किसी और पे करी थी, तो यहाँ पे गाइस मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं भैया हेल्थ वेल्थ भी नहीं करता अपनी, क्योंकि एक जगह अगर मैं बैठूंगा ना तो कोई भी मार सकता है इजिली। मैं गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ भाई, हीलिंग बाद में करेंगे। अब यहाँ पे गाइस ड्रॉप आई थी और भाई इसका धुआं अभी अभी खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नई ड्रॉप है, कोई ऐसी नहीं कि भाई 10 मिनट से पड़ी हो। और गाइस मेरे को ड्रॉप में से सिर्फ लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट मिलती है भाई, गन नहीं मिलती, तो हो सकता है बंदा आसपास यो जोन के अंदर, तो मैं जाता हूँ मैं चेक करने। और मेरे को बंदा दिख भी जाता है, और यहाँ पे गाइस खत्म कर देते हैं इस वाले बंदे को भी, बंदे पे ग्रोज होती शायद से। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, और गाइस जो नए बंदे पे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, और हाँ गाइस 1xbet को चेकआउट कर लेना, लिंक इन पिंड कमेंट।